हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। मोटू, यह स्टैचू 1 करोड़ रुपए में बनी है, जल्दी घर चलो, मंत्री जी कुछ ही देर में इसके मुहूर्त के लिए यहाँ आ रहे हैं। बस 1 राउंड और साइकिलिंग कर लो, अब फिर घर चलते हैं। अरे देखो ना पतलू, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। पतलू, सुबह सुबह साइकिलिंग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे ये क्या कर दिया? भागो, वरना सुबह सुबह की साइकिलिंग सेहत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। हम ऐसे नहीं भाग सकते, इससे पहले कि यहाँ कोई और आए हमें स्टैचू को जोड़ के रख देनी चाहिए। पतलू, ये व्हाइट पाउडर का डिब्बा क्यों लाए हो? मोटू, ये मूर्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है, जल्दी से व्हाइट पाउडर लगा के खड़े हो जाओ, अचानक से कोई आ गया तो किसी को शक भी नहीं होगा, और तब तक मैं मूर्ति को जोड़ देता हूँ, फिर हम इसे वापस रख देंगे। पतलू, लोगों का आना शुरू हो गया है, स्टैचू को जल्दी जोड़ो। अरे माँ, ये स्टैचू किसने बनाया है? बहुत ही बड़ा कलाकार होगा, एकदम रियल लगता है, रियल 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 ही है। ये कौन बोला? ओए मोटू पतलू कहाँ चले गए यार? चलो उनके आने तक हम चेयर्स ठीक कर देते हैं और स्टेज पे पूरा बंदोबस्त कर देते हैं यार। चाय वाले भैया, तुम स्टेज से थोड़ी दूर चाय बनाने का बंदोबस्त करो, मंत्री जी को गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाएंगे। इसका चेहरा तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि स्टैचू ने हंस हुर किया, लेकिन स्टैचू ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है? बूढ़ी बाबा, चिंगम सर, स्टैचू का पोज चेंज हो गया। क्या हुआ? स्टैचू का पोज किधर चेंज हो गया? किधर 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 किधर? मामूली, ये क्या जादू है? अभी स्टैचू ने हंस हुस हुर बोला। अरे हम सच बोलता है, सच बोलता है। ओए घसीटे मेरे पाए मेरी यार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी यारी। अरे मेरा ही सिर मिला है बैठने को, भाग। चिंगम सर, झट का सर, जल्दी आओ, स्टैचू भाग गया, स्टैचू भाग गया, जल्दी आओ, स्टैचू गायब हो गया। बूढ़ी बाबा, हम अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसा पहले कभी नहीं देखा, हम सच बोलता है, स्टैचू अभी अभी गायब हो गया था। डॉक्टर झटका, इसे बड़े नंबर का चश्मा दो, लगता है इसकी आंखों में बहुत बड़ी खराबी आ गई है। ओए! अरे घसीटा राम जी, लो गर्मा गर्म चाय पियो, तो दिन में सपने देखना बंद कर दोगे। हाँ क्या 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 क
हाथ धोना बंद करो और ये बताओ कि हुआ क्या है, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। स्टैचू ने मुझे जीभ चिढ़ाई, वो देखो। अयो मां घसीटा राम, अब तुम उधर नहीं जाओगे, यहाँ बैठ कर काम करो। चलो चेयर ठीक से लगाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे ही यहाँ कम मुसीबत नहीं है। हस हस हुर। मोटी थी अब दुबली हो गई। अगर मैं ये बात इन सबको बताऊंगा तो ये मेरा मोजा उड़ाएंगे और चश्मा लगा देंगे। इसीलिए इस बार नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं। घसीटे मेरे पैर मेरे यार, क्या नहीं बताओगे यारी। मोटी चलती चलती वो देखो स्टैचू, मोटी थी अब पतली हो गई। सच बोलता है, वो पतली थी। ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा है। ओए, मुझे तो लगता है कि तुम काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। ओए, नहीं नहीं, मेरे साथ की मजाक कर रहा है। कौन कर रहा है? उड़ी बाबा, मामूनी। मेरी यार यकीन कर लिया यार, कर लिया। ये लो, अब तुम्हें सब कुछ ठीक से दिखेगा यारी। ओके, मोटू मूर्ति जुड़ गई है, अब मौका देखते ही हम इसे उसकी जगह पर खड़ी कर देंगे। पतलू अब देखो सिर पे क्या हो रहा है। सब लोग काम करने में बिजी है, तुम हिलना मत, मैं उसे भगाता हूँ। चश्मे में तो है, चश्मे के साथ भी तो है। चिंगम सर वो देखो, दो दो स्टैचू। दो थे चश्मा पहन के भी दो और बिना चश्मा पहन के भी दो। दो थे, हम सच बोलता है, दो थे। कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं? कंसीडर राम, तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। मामूनी बचा! अरे हम सच बोलता है, ठीक बोलता है। अरे माँ, पूरा स्टेज ही गिरा दिया। जल्दी से ठीक करो। ठीक 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 करो। अरे बाबा, कोई हेल्प करो। हेल्प करो। अरे मेंशन नॉट। स्टैचू अपनी जगह पर है, तुम गलत बोल रहे हो डॉक्टर जटका। इसका कोई पक्का बंदोबस्त करो, इसकी आंखों में कोई मेजर प्रॉब्लम है। घसीटा मेरे भाई मेरे यार, तुम ये लगा लो यार, अब तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा यारी। मंत्री जी स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे। सॉरी। बल्ले बल्ले, होए 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 होए। ये स्टैचू आपने ही तोड़ी है, आपने ही तोड़ी है, इसे आप ही रिप्लेस कीजिए। ओके ओके ओके, मैं नई स्टैचू लगा दूंगा, लेकिन आप दोनों इस तरह सफेद सफेद क्यों हैं? ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताएंगे। बता ही दो मोटू।
सॉरी सर, दरअसल स्टैचू पहले ही हमसे टूट गई थी और मैं इसे जोड़ रहा था, इसीलिए मैं सफेद सफेद हूँ और मोटू सफेद पाउडर लगा के स्टैचू की जगह खड़ा था। घसीटाराम ने कुछ भी गलत नहीं देखा, वो सब सच कह रहा था, वो मोटू को ही देख रहा था सर। सॉरी घसीटाराम, ये बाइनोकुलर उतार दो, हम इस स्टैचू का हर जाना भरेंगे, जरूर भरेंगे, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, 1 करोड़ कमा के दोबारा स्टैचू लगाएंगे। हाँ। हम तुम दोनों की ईमानदारी से वाकई बहुत खुश है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो स्टैचू तोड़ के चुपचाप भाग जाता, लेकिन तुम लोगों ने उसे जोड़ने की कोशिश की और सबके सामने अपनी गलती भी मान ली। तुम लोग चिंता मत करो, मैं दूसरी स्टैचू बनवा दूंगा, हमें तुम जैसे ईमानदार लोगों पर बहुत बहुत नाज है। कुछ देर तुम भी ये पहन लो।